नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है आग ग्लोबल एक्सपर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए, कनेक्टिंग टॉपिक है। जो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है वो सब वीडियो में आपके बना रखा है, अगर वो आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए दोस्तों। तो उसमें पूरा डिटेल में बताया गया कि बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है। एक्चुअली ये लोडिंग से ही निकला हुआ वर्ड है, उसी से ड्राइव्ड है। तो बिल ऑफ लेडिंग, जब गुड्स को शिप के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, उस पर लोड कर दिया जाता है, तो तब वो मास्टर जो बिल ऑफ लेडिंग इशू करता है, दैट डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इट इज कॉल्ड बिल ऑफ लेडिंग। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, क्या क्या टाइप का होता है इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टोटल 18 टाइप के बिल ऑफ लेडिंग होते हैं, वो डिटेल में आप जान लीजिए। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर हैं, या फिर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में नया आना चाहते हैं, या फिर अपने लोकल बिजनेस से इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो बिल ऑफ लेडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए दोस्तों। तो टोटल 18 टाइप के बिल ऑफ लेडिंग है, उनको कैटेगराइज किया गया है 7 कैटेगरीज में, 7 क्लासिफिकेशन उनका किया गया, अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल, अकॉर्डिंग टू पेमेंट, अकॉर्डिंग टू शिपमेंट, अकॉर्डिंग टू वियोस, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, अकॉर्डिंग टू ट्रेड पार्टी, अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड। तो ये 7 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, अलग अलग टाइप्स की अलग अलग यूजेज है, एप्लीकेशन है, उसके ऑब्लिगेशन से रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सबसे पहले आता है निगोशिएबल, अकॉर्डिंग टू निगोशिएबिलिटी, अकॉर्डिंग टू निगोशिएबिलिटी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो लाइक करता है तो जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो निगोशिएबल, निगोशिएबिलिटी के अकॉर्डिंग में दो टाइप की कैटेगरी इन्होंने रखा गया है बिल ऑफ लेडिंग का, जो एक है निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग और एक होता है नॉन निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग। तो निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग में क्या रहता है कि जैसे नाम से पता चला है, इट कैन बी निगोशिएट, इट कैन बी निगोशिएट। निगोशिएट करने से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है, यानी जो बिल ऑफ लेडिंग है ये आपका डॉक्यूमेंट है। तो जिसके पास, जो मैंने पहली वीडियो में भी आपको बता दिया, जिसके पास है बिल ऑफ लेडिंग, ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग है, वही गुड्स का मालिक, असली मालिक वही है। तो नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग मतलब उसमें आप जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर बिल ऑफ लेडिंग बनवाता है, यानी शिपिंग कंपनी उसको बिल ऑफ लेडिंग देती है। तो बिल ऑफ लेडिंग अगर नेगोशिएबल है तो इट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर नेम, यानी जिसे कंसाइन नहीं है। जैसे न्यूयॉर्क में अगर मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं दिल्ली से कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूं और न्यूयॉर्क में मेरा इंपोर्टर बैठा है, मेरा बायर बैठा हुआ है, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है। जैसे जॉन है तो जॉन को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो जॉन का ही नाम वहां था। लेकिन अगर इनकेस अगर जॉन की डेथ हो जाती है, या जॉन लेने से मना करता है बाद में, या कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट आता है या कुछ होता है, तो मेरे पास में अभी राइट है कि मैं निगोशिएबल अगर बिल ऑफ लेडिंग है तो फिर मैं उसको दूसरे किसी को ट्रेड कर सकता हूं, दूसरे किसी को बेच सकता हूं, इन केस ऑफ जेन्युइन रीजन। तो नेक्स्ट आता है नॉन निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग। तो नॉन निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग बिल्कुल एकदम से नाम से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि वो निगोशिएट नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी नेम। गुड्स कैन बी डिलीवर्ड टू द नेम्ड कंसाइनी, यानी जो कंसाइनी का वहां पे नाम लिखा गया। जैसे अगर मैंने जॉन का एग्जांपल लिया था, जॉन को ही वहां पर बिल ऑफ लेडिंग दिया जाएगा। अगर बिल ऑफ लेडिंग आप जॉन के अलावा किसी और के नाम करना चाहते हैं तो वो बिल वहां पे कस्टम क्लियरेंस वहां नहीं होगा, बिल ऑफ लेडिंग वहां पे नहीं पहुंचेगा। तो ओरिजिनल कस्टम क्लियरेंस के जब कस्टम क्लियरेंस होगा तो ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग चाहिए रहता है, और वो जॉन ही कस्टम क्लियरेंस करा सकता है और उसी का ही नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, तभी वो प्रोसेस पूरा होगा कंप्लीट। तो नेक्स्ट आता है, तो ये दो टाइप थे अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबिलिटी, नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग और नॉन नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू पेमेंट। तो पेमेंट के हिसाब से भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्टेट बिल ऑफ लेडिंग, ऑर्डर बिल ऑफ लेडिंग और इलेक्ट्रॉनिक टेलेक्स रिलीज बिल ऑफ लेडिंग। तो ये क्या होता है तीनों, सबसे पहला ले लेते हैं स्टेट बिल ऑफ लेडिंग। तो स्टेट बिल ऑफ लेडिंग क्या रहता है, वो भी नॉन नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग होता है, वो भी किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है दोस्तों। और पेमेंट इसमें क्या रहता है, ये स्टेट बिल ऑफ लेडिंग जैसे नाम से एक पता चल रहा होगा आपको कि स्टेट फॉरवर्ड है, तो स्टेट में क्या है कि बिल पेमेंट आपको एडवांस में आ जाता है, यानी एक्सपोर्टर को पेमेंट एडवांस में आ जाता है, और गुड्स डायरेक्टली शिप टू द फाइनल कंसाइनी। यानी जैसे अगर न्यूयॉर्क के, न्यूयॉर्क में मेरा एक्सपोर्टर बैठा है, मेरा इंपोर्टर बैठा है जो बायर है, और यहां से राजीव सैनी ने जॉन को एक्सपोर्ट कर दिया है और वो डायरेक्ट आपने स्टेट बिल ऑफ लेडिंग दिया, तो पेमेंट तो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, तो डायरेक्ट वो जो कंसाइनमेंट होगा वो कंसाइनी के पास डायरेक्ट चला जाएगा। तो आजकल तो कुछ ऐसी भी जो लॉजिस्टिक कंपनी जी टोटल मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन, मल्टी मोड कंसाइनमेंट आपको सर्विसेज देती है, यानी वो
इनलैंड का भी देती है, एयरवेज का भी देती है, शिपिंग का भी देती है, जो भी आप उससे फैसिलिटी चाहिए, जो सर्विसेज चाहिए आजकल वो आपके पास में डायरेक्टली आपको सर्विसेज अवेलेबल है। नेक्स्ट पेमेंट वाले में आता है सेकंड पॉइंट, स्टेट नंबर वन। नंबर टू, ऑर्डर बिल ऑफ लेडिंग। तो ऑर्डर बिल ऑफ लेडिंग में क्या होता है दोस्तों, ऑर्डर बिलिंग में पेमेंट एडवांस में नहीं आता है, पहले हमें गुड्स भेजना पड़ता है, गुड्स विल बी शिप्ड बिफोर द पेमेंट, और ये निगोशियबल बिल ऑफ लेडिंग की तरह ही होता है, यानी इट कैन बी ट्रांसफर टू दी थर्ड पार्टीज नेम, यानी थर्ड पार्टी के नेम पे हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी सेकंड पॉइंट आता है पेमेंट वाले में। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक टेलेक्स रिलीज बिल ऑफ लेडिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आजकल जमाना है, जैसे आप अगर देख सकते हो कि कई बार हम जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर आपका पैन कार्ड हो गया, तो वो ई चलने लगा, ई आधार कार्ड, ई पैन कार्ड, या एक BRC आपने देखा होगा कई बार, जो एक्सपोर्टर एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर से वो लोग जानते होंगे कि BRC क्या होता है, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, तो वो भी आजकल eBRC चलने लगा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक BRC, यानी वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाता है। तो ऐसे ही ये भी पेमेंट, अगर आपको जो बिल ऑफ लेडिंग आप भेजते हैं, हार्ड कॉपी भेजते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक टेलेक्स रिलीज बिल ऑफ लेडिंग में आपको हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, उसमें नो हार्ड कॉपी इज रिक्वायर्ड, ओनली जो इलेक्ट्रॉनिक आपका मीडिया है, यानी उन्होंने अगर डिफाइन किया गया बिल ऑफ लेडिंग में कि ये पर्टिकुलर इस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जाएगा, यानी ईमेल के द्वारा ही जाएगा या व्हाट्सएप के द्वारा जाएगा, या जो उनका पर्टिकुलर इंटरनल कुछ इलेक्ट्रॉनिक टैलेक्स रिलीज कुछ मेथड है, यानी शिपिंग कंपनी का, जैसे यहाँ अगर इंडिया में मुंद्रा पोर्ट में, मुंद्रा पोर्ट से अगर उनको वहाँ पे जाना है, न्यूयॉर्क पोर्ट पे जाना है, तो न्यूयॉर्क पोर्ट पे जाने के लिए उनको, या तो फिर आपको जो बायर है, पेमेंट मिलने के बाद में बायर को आप डायरेक्ट हार्ड कॉपी भेजिए बिल ऑफ लेडिंग का, लेकिन इस ऑप्शन में आपको हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, यहां से ही टेलेक्स मतलब टेलेक्स बिल्कुल एकदम से नाम से आपको पता चला होगा, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, यानी दूर बैठे हुए को कम्युनिकेशन, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी आप टेलीकम्युनिकेशन कीजिए और वो आपके लिए यहां पर वैलिड रहेगा, तो आप उससे इलेक्ट्रॉनिक टेलेक्स रिलीज बिल ऑफ लेडिंग के द्वारा आप बिल ऑफ लेडिंग करवा सकते हैं और अपना जो एक्सपोर्ट का प्रोसेस है उसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू शिपमेंट। तो शिपमेंट के भी तीन चार ऑप्शन हैं, तो वो क्या है, रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग। तो ये जैसे नाम से एक बार एकदम से समझ में आ रहा है दोस्तों, रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग, यानी गुड्स आपने रिसीव, जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर ने गुड्स दे दिया है, और जो मास्टर है, जो इंचार्ज है, जो शिप का इंचार्ज है, शिपिंग लाइन का एक पर्टिकुलर शिप का इंचार्ज रहता है, जैसे रेलवे का एक पर्टिकुलर ट्रेन के साथ में जो है एक इंचार्ज चलता है साथ में, तो यहाँ शिप में भी एक इंचार्ज जाता है जिसको मास्टर कहते हैं। तो मास्टर अभी क्या कह रहा है, मास्टर कह रहा है कि मैंने गुड्स रिसीव कर लिया है एंड दैट इज रेडी फॉर शिपमेंट, यानी अभी तक वो लोड नहीं किया है, दिस इज ओनली द रिसीविंग कॉपी, यानी वो रिसीव कर रहा है, रिसीव करने की वो गारंटी दे रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है कि मैंने गुड्स को रिसीव कर लिया है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ इंडेक्स दैट हैज बीन गिवन बाय द एक्सपोर्टर, यानी जिस हिसाब से एक्सपोर्टर ने लिस्ट दिया है कि ये आइटम होना चाहिए और ये आइटम मैंने इसमें दिया है, तो वो रिसीविंग का आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि दैट हैज बीन रिसीव्ड, पर वो अभी शिप नहीं हुआ, वो भी जो FOB है, यानी जो वेजल है, वेजल के ऊपर नहीं रखा गया। नेक्स्ट है शिप्ड ऑन बोर्ड, यानी ये भी जस्ट उसके नेक्स्ट वाला ही है, शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग, यानी ये कंफर्मेशन दे रहा है, जो मास्टर है वो आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि गुड्स मैंने रिसीव कर लिया है प्लस मैंने गुड्स को लोड कर दिया है। तो जस्ट एक सिंपल है, बिल्कुल एकदम से आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट आता है क्लीन बिल ऑफ लेडिंग। क्लीन बिल ऑफ लेडिंग में मतलब मास्टर एकदम से आपको डिफाइन करके दे देता है, क्योंकि मास्टर के पास में वहां पर वो ऑथेंटिक बंदा है, उसके पास में एक राइट्स दिया गया है गवर्नमेंट ने और कस्टम ने, राइट्स दिया गया है कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन लिख सकता है। तो अगर कोई आपका गुड्स डैमेज है या फिर कुछ उसमें, जैसे अगर आपको कुछ ग्रीन चिली है कुछ है, तो वो कुछ डैमेज हो गया है या फिर उसमें कुछ लिक्विड पानी निकल रहा है, यानी आपका गुड्स ही पर्टिकुलर डैमेज हो गया या खराब लग रहा है उसको, या फिर कहीं से टूटा फूटा है या कुछ भी हो, अपना ऑब्जर्वेशन कुछ लिखना चाहता है, तो ही कैन राइट हिज ऑब्जर्वेशन। तो जिस पे अगर बिल ऑफ लेडिंग पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा है, यानी वो क्लीन है, वो डैमेज नहीं है, उसमें कोई भी अनयूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है,
तो उसको क्लीन बिल ऑफ लेडिंग कहा जाएगा। तो क्लीन बिल ऑफ लेडिंग इज द बेस्ट और वो ही नॉर्मली बैंक प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोज बिल ऑफ लेडिंग। क्लोज में क्या रहता है, वो एक क्लोज डाल देगा, वो एक ऑब्जर्वेशन डाल देगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो मास्टर होता है उसके पास राइट्स होता है कि ही कैन राइट हिज ऑब्जर्वेशन, जो भी उसको दिखाई देता है, यानी कोई डैमेज है या कोई डिस्क्रिपेंसी है। जैसा आपने लिस्ट में बताया, जैसे पांच आइटम आपने लिस्ट में बताया, पांच में से आपके पास चार ही आइटम आया है, तो वो उसमें लिख देगा। उसका वहां पर मजबूरी है, वो लिखेगा ही और वो अपना ऑब्जर्वेशन 100% लिखेगा, क्योंकि उसको राइट्स भी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि शिपिंग कंपनी उसको बोलेगी कि चार आइटम आपने यहाँ पर लिया है और इनवॉइस में इन्होंने पांच आइटम दिया है, तो आप चार आइटम ही वहां पे लिखिए, आप कमेंट में लिखिए कि एक आइटम यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम मिसिंग है। तो वो क्लोज बिल ऑफ लेडिंग इश्यू करता है उस केस में। तो उस जो क्लोज बिल ऑफ लेडिंग रहता है वो अनक्लियर रहता है, उसको कई बार अनक्लियर बिल ऑफ लेडिंग भी बोलते हैं, कई बार उसको डर्टी बिल ऑफ लेडिंग भी बोलते हैं, कई बार स्वेलिंग बिल ऑफ लेडिंग भी बोलते हैं। दैट मीन्स इट इज नॉट ए क्लियर बिल ऑफ लेडिंग, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू वेज। तो वेज में क्या आता है उसमें, और जो ये मैं एक बार वही बता देना चाहता हूँ, जो क्लोज डाला है उसने, ऑब्जर्वेशन जो डाली है मास्टर ने, तो उसमें जब पेमेंट में भी कई बार बैंक दिक्कत कर देते हैं। कई बार अगर आपने एलसी के थ्रू पेमेंट आपका हो रहा है, जो पेमेंट टर्म है वो एलसी है, एलसी 30% एडवांस और 70% एलसी, या कोई भी किसी भी टाइप का एलसी, अगर एलसी वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो टाइप ऑफ एलसी भी मैंने वीडियो बना रखा है और एलसी को डिटेल में समझाया हुआ भी है, डिटेल में बताया हुआ भी है, वो भी आप वीडियो अगर नहीं देखा दोस्तों वो भी आप जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है दोस्तों, अच्छा रिसर्च, डाटा रिसर्च के साथ में मैं वीडियो लेके आता हूं दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट आता है वेज। तो वेज में क्या रहता है, डायरेक्ट और थ्रू बिल ऑफ लेडिंग रहते हैं। तो डायरेक्ट में क्या रहता है कि सिंगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, सिंगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे अगर मुंद्रा में है, मुंद्रा से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुंद्रा से न्यूयॉर्क पोर्ट जाना है, तो न्यूयॉर्क पोर्ट तक मुंद्रा पोर्ट से न्यूयॉर्क पोर्ट, यानी वन टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो इस केस में जो भी आपको बिल ऑफ लेडिंग कहा जाएगा वो डायरेक्ट बिल ऑफ लेडिंग कहा जाएगा। जैसे आप अगर ऑटो से कहीं जाते हैं तो ऑटो में आपने बोला कि नहीं हम तो शेयरिंग में जाएगा, वो बोलेगा नहीं सर मैं डायरेक्ट लेके जाऊंगा। डायरेक्ट मतलब जहां से आप बोर्डिंग कर रहे हैं या जहां से आप चढ़ रहे हैं डायरेक्ट आपके डेस्टिनेशन तक, तो वो बोला जाएगा डायरेक्ट बिल ऑफ लेडिंग। तो नेक्स्ट आता है थ्रू बिल ऑफ लेडिंग। थ्रू बिल ऑफ लेडिंग का मतलब होता है कि इसमें मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन बी यूज्ड, यानी अगर जैसे दिल्ली में कोई एक्सपोर्ट रहे, जैसे मैं अगर दिल्ली से रहने वाला, दिल्ली से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो दिल्ली से पहले मुंद्रा पोर्ट जाएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन बाय ट्रक जाएगा, तो वो लॉजिस्टिक कंपनी से मुझे ट्रकिंग कंपनी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद शिप से वो मुंद्रा पोर्ट जाएगा, तो मुंद्रा पोर्ट से वो न्यूयॉर्क पोर्ट जाएगा, तो यहाँ पर बाई सी जाएगा, या फिर अगर मुझे, मैं दिल्ली में हूँ और मुझे डायरेक्ट बाई एयर न्यूयॉर्क भेजना है, तो दिल्ली एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क पोर्ट तक डायरेक्ट वो जा सकता है। या फिर उसमें जैसे अगर मैं रुड़की से रहने वाला हूं, तो रुड़की से दिल्ली तक वो आएगा बाई ट्रांसपोर्टेशन आएगा, और दिल्ली एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क पोर्ट तक जाएगा बाई एयर। तो इसमें दो या दो से ज्यादा जब कभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ जाते हैं, यानी उसको मल्टी ट्रांसपोर्ट, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, तो उसमें जब वो बिल ऑफ लेडिंग आपको इश्यू किया जाएगा, तो वो आपको इश्यू किया जाएगा थ्रू बिल ऑफ लेडिंग। थ्रू बिल ऑफ लेडिंग जब भी किया जाता है तब आपके पास मल्टी मॉडल जब ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब बिल टाइप ऑफ बिल अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें तीन टाइप के होते हैं, इनलैंड सी मतलब ओशन बिल ऑफ लेडिंग और एयर बिल। तो देखिए सबसे पहला आता है इनलेट बिल ऑफ लेडिंग। इनलेट बिल ऑफ लेडिंग जैसे अगर आप मैं अगर रुड़की से रहने वाला हूं, तो रुड़की से दिल्ली तक अगर जैसे मेरा एयर कार्गो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, तो ये डायरेक्ट जाएगा। लेकिन अगर मुझे रुड़की से दिल्ली तक कोई सामान मंगवाना है ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से, तो वो मुझे बिल ऑफ लेडिंग जो इश्यू करेगी वो इश्यू करेगा इनलैंड बिल ऑफ लेडिंग, यानी वो ट्रांसपोर्ट मेथड जो कि पृथ्वी पे होता है, धरती पे होता है, यानी जिसमें सी और एयर में नहीं होता है, तो वो हो गया इनलेट बिल ऑफ लेडिंग। नेक्स्ट आता है ओशियन बिल ऑफ लेडिंग। तो ओशियन बिल ऑफ लेडिंग के बाद उसको जनरल बिल ऑफ लेडिंग भी बोलते हैं। तो वो सिंपल आपको एकदम से नाम से पता चल रहा है कि ओशियन बिल ऑफ लेडिंग मतलब सी में जो जो शिपमेंट आपका जाता है, जो एक्सपोर्टर का शिपमेंट जाता है, वेजल जाता है, यानी उसमें जो गुड्स आपका जाएगा उसमें जो भी आपको बिल ऑफ लेडिंग इशू करेगा, तो वो मास्टर आपको बिल ऑफ लेडिंग इशू करेगा ओशियन बिल ऑफ लेडिंग। तो ये बोला जाता है ओशियन बिल ऑफ लेडिंग। नेक्स्ट आता है एयर
बिल, एयरवे बिल, तो इसमें अगर आप बोलेंगे तो एयरवे बिल ऑफ लेडिंग क्यों नहीं बोला जाता है, तो इसमें एयरवे बिल बोला जाता है, बट दिस इज फॉलिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टाइप ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, तो ये बिल ऑफ लेडिंग ही है लेकिन उसको एयरवे बिल बोला जाता है, एयरवे बिल बोला जाता है। तो एयरवे बिल इशू होगा, जैसे आपका अगर दिल्ली एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट आपका कोई गुड्स जा रहा है तो वो आपको एयरवे बिल देगा, यानी वो बिल ऑफ लेडिंग जो आपको इशू करेगा वो एयरवे बिल आपको मिलेगा, एयरवे बिल आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेड पार्टी बिटवीन द ट्रेड, तो ट्रेड पार्टी के जो भी अकॉर्डिंग टू ट्रेड पार्टी जो बिल ऑफ लेडिंग के टाइप्स बनाए गए हैं उसमें फर्स्ट आता है हाउस बिल ऑफ लेडिंग, जो हमारा अभी 15th नंबर चल रहा है, 15th नंबर टोटल 18th के, तो लास्ट के तीन ही बचे हैं, इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, हम फटाफट कंप्लीट कर देते हैं इसको। तो ये आता है हाउस बिल ऑफ लेडिंग। हाउस बिल ऑफ लेडिंग का कई बार क्या मीनिंग है और कहाँ पर ये यूज होता है, तो जैसे आपका लेस कंटेनर लोड है, लेस कंटेनर लोड, जैसे आपका अगर 1/3 कंटेनर है, 1/4 कंटेनर है, या 1 kg, 10 kg, 20 kg, जो भी आपका कंटेनर लोड है, यानी आपका वो लेस कंटेनर लोड है, तो उसमें जो भी फ्रेट फॉरवर्डर रहता है, जो CHA रहता है, फ्रेट फॉरवर्ड जो कंपनी रहती है जो फ्रेट फॉरवर्डिंग की सर्विसेज देती हैं, तो वो ही इशू कर देती हैं आपको, जैसे एक्सपोर्टर को वो इशू करेंगी तो इशू क्या करेंगी, हाउस बिल ऑफ लेडिंग। तो वहाँ पर वो एक्सपोर्टर मतलब वो सेंडर सेलर के तरह काम करेगा और जो रिसीवर होगा वो बायर की तरह काम करेगा, तो वो वहाँ पर इशू आपको होगा हाउस बिल ऑफ लेडिंग। तो ये शिपिंग कंपनी आपको बिल ऑफ लेडिंग यहाँ पे इशू नहीं करती है, ये इशू करता है जो बीच का एजेंट होता है, जिसको फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी बोलते हैं, तो फ्रेट फॉरवर्डिंग की जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो आपको हाउस बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है। तो नेक्स्ट आता है मास्टर बिल ऑफ लेडिंग, ये मेन बिल ऑफ लेडिंग रहती है जिसमें फुल कंटेनर लोड जब रहते हैं तो शिपिंग कंपनी आपको यानी एक्सपोर्टर को, जैसे मैं अगर एक्सपोर्टर हूँ तो मुझे जो मास्टर होगा, जो शिपिंग कंपनी का मास्टर होगा, यानी उस पर्टिकुलर वेजल में एक मास्टर रहता है, तो जिसको कैप्टन बोलते हैं मास्टर, तो वो मास्टर बिल ऑफ लेडिंग इशू करेगा जो भी उसके ऑब्जर्वेशन से वो ही कैन राइट आल्सो, तो वो उसमें क्लीन बिल ऑफ लेडिंग होगा तो बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है, अनक्लीन होने से बहुत दिक्कत है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू दी चार्टर, तो इसमें 17th पॉइंट आता है चार्टर, तो चार्टर पार्टी रहती है, चार्ट इसका जो बिल ऑफ लेडिंग है वो इश्यू करती है, चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग। चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग क्या रहता है कि जैसे अगर आपका कोई शिपमेंट है, यानी शिपिंग कंपनी है, जो आपका जो जहाज है, जो जिसको शिप बोलते हैं, तो शिप अगर ओनर कोई और है, ओनर अगर जैसे मैं शिप का ओनर हूँ और एक चार्टर पार्टी कंपनीज है जो कि शिप को चलाती, जिसको ऑपरेशन करती है, तो उसको मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूँ, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, तो यहाँ पर ओनर मैं हूँ लेकिन ऑपरेट कौन कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने L&T को दे दिया तो L&T कंपनी है यहाँ पर, तो वो चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग इशू करेगी, यानी ओनर इशू नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है, कई बार थोड़ा यूज नहीं होता है और कम यूज होता है, यूज तो होता है, कम यूज होता है, लेकिन बैंक उसको कम प्रेफर करते हैं, और उनके मतलब वो क्या सोचते हैं कि अगर जैसे ओनर और जो चार्टर पार्टी है उन दोनों के बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट होता है कल जाके, तो उसमें थोड़े से कुछ भी मतलब फ्रिक्शंस आने के चांसेस हैं, तो बेटर है नॉट टू बी गो विद चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग, तो वो थोड़ा कम यूज होता है बट यूज तो होता है। नेक्स्ट आता है स्लेट बिल ऑफ लेडिंग। स्लेट बिल ऑफ लेडिंग क्या रहता है, जो ड्यू डेट के बाद में ही बिल ऑफ लेडिंग इशू होता है, तो जैसे अगर इसमें जैसे एक बार गुड्स तो चला गया, लेकिन गुड्स जैसे अगर यहाँ से मुंद्रा पोर्ट से न्यूयॉर्क पोर्ट जा रहा है तो उसको जाने में 45 डेज लगेंगे, तो अगर यहाँ से मुंद्रा पोर्ट से न्यूयॉर्क पोर्ट तक जाने में जितना टाइम लगेगा तो उसमें नॉर्मली 21 डेज का टाइम रखा जाता है, क्योंकि बैंक को भी यहाँ पर थोड़ा डर रहता है कि अगर गुड्स वहां पहुंच गया और बिल ऑफ लेडिंग उनको नहीं मिला तो वो गुड्स वहां पे छुटा नहीं सकते, यानी इंपोर्टर जो है आपका बायर जो है उसको वो कस्टम क्लियरेंस नहीं करा सकता है, वो कंसाइनमेंट को कंसाइनी के पास में नहीं पहुंच सकता है। तो दोस्तों ये थे टोटल 18 टाइप ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, तो मैक्सिमम मैंने कवर कर लिया है, अगर इसके अलावा भी आपको कोई लगता है कि इसके अलावा कोई और बिल ऑफ लेडिंग है तो जरूर आप कमेंट में बताइए, और वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा आपको इससे अच्छा मोटिवेशन मिला और ये आपके लिए कैसा फायदेमंद है, तो ये भी आप कमेंट में लिखिए जरूर दोस्तों, और वीडियो को आप लाइक कीजिए दोस्तों, इसको सब अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं हर दूसरे तीसरे दिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड अच्छी वीडियो बनाता हूँ, अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि आप डायरेक्ट आपके मोबाइल पे पहुंचे और आप
अच्छा स्किल्स अपनी इंप्रूव कर सके और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड, आप जरूर उसको कमेंट में लिख के हमें बताइए, हम उसका जरूर आपको आंसर देंगे एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ऐसे रहिए, आप कमाते रहिए, खुश रहिए, ग्रो कीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आइए, लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।